स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 का सामाजिक विज्ञान SST का मॉडल पेपर जो है इसके बारे में देखेंगे। तो 80 नंबर का कुल पेपर है, समय 2.5 घंटे, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो देख लेते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन सेकंड देखें, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत जो थी वो पुर्तगाली थी, ब ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन थर्ड देखें, शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन फोर्थ देखें, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। राज्यसभा में कुल सदस्य 250 होते हैं। ये अंबालिका गलत ऑप्शन, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग का ही समस्या है। तो देखें, राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो जयपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखें क्वेश्चन छः, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है, तो ये जो है उदयपुर के डबोक में, यानी उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। क्वेश्चन सात देखें, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, यानी दो इसका ब ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आठ जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो इसका आंसर जो है संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। फिर देखें क्वेश्चन नौ, अठारह सौ सत्तावन में सबसे पहले विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था, यानी 1857 की क्रांति के विद्रोह की बात हो रही है, तो जो कि हुआ था मेरठ के अंदर, अ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह होती है संसद की। तो ये थे MCQ क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 में 5 एक-एक नंबर का रिक्त स्थान है, जिसमें पहला राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आज है। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, सेकंड इसका हो जाएगा सरपंच। क्वेश्चन थर्ड देखें, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है, तो ये भी थर्ड का हो जाएगा। क्वेश्चन चार, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। क्वेश्चन पाँच, भारत के चार महानगरों दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई को जोड़ने वाले राजमार्ग को डैश कहा जाता है, यानी यहाँ पे फिलअप आपको बनना है, जोड़ने वाले राजमार्ग को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर 5 खाली जगह रिक्त स्थान की पूर्ति करो का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 5 रिक्त स्थान आएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 में, यस नो में जवाब देना है, हाँ और ना में, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, तो ये बिल्कुल राइट है, हाँ होगा इसका आंसर। सेकंड, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये भी राइट है, इसका जवाब हाँ होगा। हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था, नहीं, हुड़ा सम्मेलन जो है 1734 को हुआ था, तो इसका जवाब होगा नहीं। फिर देखें, आदिवासियों का एक ही जनजाति धर्म होता है, तो बिल्कुल सही है ये, आदिवासियों का जो है एक ही जनजाति धर्म होता है, तो इसका भी जवाब जो है हाँ होगा। फिर देखें क्वेश्चन 12वें का 5वां, 1857 से गवर्नर जनरल के को वायसराय कहा जाने लगा, तो ये भी गलत है, 1857 से नहीं, जबकि 1858 से जो है गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था, तो इसका जवाब भी होगा नहीं। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों के क्वेश्चन। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 17 तक, यानी 2-2 नंबर के 5 सवाल है। क्वेश्चन 13 से 17 तक, राजस्थान के चार प्रमुख कुटीर उद्योगों के नाम 2 नंबर का सवाल है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ घटित हुआ, 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, घुमंतू किसानों की 2 विशेषताएँ, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन 17, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली 2 योजनाएं। तो इन सभी के आंसर जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18 से आप देख सकते हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 18, 19 और 20, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े सवाल हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, किस बात पर जोर देता है यह मिशन,
क्वेश्चन 19 देख सकते हैं, 4 नंबर का, राजस्थान के 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, इसका भी जवाब डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और क्वेश्चन 20, अपराध की जांच के लिए पुलिस की क्या भूमिका होती है। फिर क्वेश्चन 21 देख सकते हैं आप, 5 नंबर का, ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 और 25, 24 तक 5-5 नंबर के बड़े सवाल हैं, तो ये भी आप लोगों को नोट कर लेने हैं सारे क्वेश्चन। भूस्खलन किसे कहते हैं, इसको रोकने की विधियां कौन कौन सी है, यानी भूस्खलन जो है ज़मीन का, मिट्टी का पानी के साथ, हवा के साथ बह के चले जाना होता है, ये भी डिटेल में। क्वेश्चन 22, 23 भी आप देख सकते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 24 जो है ये भी 5 का है। और इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन 26, 25, 26, 27, ये 3 क्वेश्चन जो है कक्षा 8वीं में 6-6 नंबर के बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन 27 जो है मानचित्र का क्वेश्चन है, जिसमें अरब सागर, मुंबई, कलकत्ता, अरब सागर आप देखें बंगाल की खाड़ी के नीचे, बे ऑफ बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी है, और दूसरी तरफ जो है अरब सागर होता है, तो ये भी जो है इन सभी के आंसर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त आपको हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर अवेलेबल मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।